व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया। सो गाइस, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। इट्स लाइव फ्रॉम कौन सा है लोकेशन? बिसलपुर। भाई बिसलपुर की ये लोकेशन जो है आपकी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प इसलिए हो जाती है। इधर आओ एक बार, सबसे पहला फील लो माउंटेन्स का। एंड ये माउंटेन का जो व्यू है, ये है सिर्फ एक साइड का नज़ारा। अब दूसरी साइड का नज़ारा आप देखोगे ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ राजस्थान इज नॉट ओनली राजस्थान, इट इज समथिंग एल्स। सो वेलकम, सी द सी। सो बिसलपुर का ये नज़ारा, आई नो कि जो भी ये वीडियो को देख रहा है ना भाई, आपने राजस्थान में ना कभी ये चीज़ें एक्सपेक्ट की होंगी और ना कभी इससे पहले देखी होंगी। और हम लोगों की ना खास बात यही है, हम वो जगह छांट के लेके आते हैं अपने ब्लॉग्स में जो शायद ही किसी ने कवर की हो। इस एरिया का ड्रोन शॉट भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी आपने ज़रूर देखना है। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पे एक साइड आपको मिलती है माउंटेन्स, तो दूसरी साइड मिलता है ये खूबसूरत नज़ारा। अगर आप इसमें देखेंगे ना दूर दूर तक, वो आप उस साइड की एज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये समुंदर से कम नहीं है। और भाई यहाँ से ये देख रहे हो व्यू, ऐसा लगता है जैसे आप गोवा में घूम रहे हो। और ये रिजॉर्ट किसी गोवा के रिजॉर्ट से कम नहीं है भाई, इतना अच्छा स्टे और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको ये लोकेशन मस्ट 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 विजिट है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा है क्या कि यहाँ पे इतना सारा पानी राजस्थान में इकट्ठा हो कैसे गया? सो देवी और सजनों, ये है एक डैम। अब खास बात क्या है, खास बात यहाँ के जो कमरे, यहाँ पे आके जो स्टे है वो और भी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप एंट्री करेंगे तो मिलेंगे आपको ये खूबसूरत पहाड़, और जब आप अपने रूम में अंदर जाएंगे तो ये है भाई इस रिजॉर्ट का एक फैमिली रूम सेट। यहाँ से जैसे ही आप देखोगे ना भाई, ओ हो 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 हो, कभी उम्मीद नहीं की होगी आपने कि आप सुबह उठोगे। हम लोग रात में यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जैसे सुबह उठ के हमने बाहर देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, समझ में नहीं आया ये कौन सा एरिया भाई। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियोस देख के ऐसा ही लगा होगा, यहाँ के नज़ारे अद्भुत हैं और ये एरिया बहुत सुंदर है। दिल्ली NCR से मात्र 7-8 घंटे की ड्राइव पे इतना खूबसूरत लोकेशन आपने पहले नहीं देखा होगा। इट इज मच 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 रिकमेंडेड प्लेस। सो इसी के साथ हम करते हैं इस प्लेस को एंजॉय, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और सर्दी का आनंद लें। बाय बाय।